नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशन हब। जैसा कि आप सभी को मालूम है माय डियर एस्पिरेंट्स, कि एक स्टेट वाइज जो एक पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो स्टेट्स हैं उन पर्टिकुलर एक एक स्टेट्स का सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, राइट। तो उसी कड़ी में आज अपन स्टेट्स लेंगे, आज अपन राज्य लेंगे पंजाब, राइट। पंजाब स्टेट्स के बारे में आज इस वीडियो में अपन डिस्कशंस करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, राइट। कौन इसके चीफ मिनिस्टर से गवर्नर कौन कौन है, राइट। कितनी सीट्स हैं, नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी होगी, राइट। एंड देन एयरपोर्ट्स हो गए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इस स्टेट्स की न्यूज़ है, वह सभी कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कशंस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशंस को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा आपका कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग्स। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जान लेते हैं माय डियर एस्पिरेंट्स, जो न्यू सब्सक्राइबर है मेरे उनको मालूम नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। अभी तक मैंने इन स्टेट्स के बारे में डिस्कशंस कर चुका हूँ। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आप कौन से भी स्टेट्स में बिलोंग करते हों, चाहे स्टेट्स लेवल की प्रिपरेशन हो चाहे सेंट्रल्स लेवल की। ओके, राजस्थान में डिस्कशंस कर चुका हूँ, पहला वीडियो था। हिमाचल प्रदेश का दूसरा वीडियो था। मध्य प्रदेश का तीसरा वीडियो था। छत्तीसगढ़ में डिस्कशंस कर चुका हूँ, इसके बारे में संपूर्ण मैंने वहाँ पर जानकारी दी थी। एग्जाम्स में क्वेश्चंस इससे बाहर एक भी नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, क्योंकि मैंने अच्छे से बताया है। उत्तर प्रदेश में डिस्कशंस कर चुका हूँ एंड उत्तराखंड भी मैं डिस्कशंस चुका हूँ। एंड आज अपन स्टेट डिस्कशंस करेंगे, यानी एक तरह से कह सकते हैं आज अपना सातवां वीडियो, यानी कि सेवंथ वीडियो है पंजाब से लिए, राइट। पंजाब के बारे में सेवंथ वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। तो इट इज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस चीज़ को जरूर पढ़िएगा, इन सारे वीडियोज़ को एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। क्योंकि मैंने अच्छे से वहाँ पर बताया है, अच्छे से स्टेट्स के बारे में बताया है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो है आपका पंजाब से रिलेटेड। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सेशंस पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें बटन को। एंड देन वीडियो अगर अच्छा लगे कि हमारे लिए हेल्पफुल है, राइट, हमको बेनिफिट शो है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपका कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइलाइट्स ऑफ द सेशंस की हाइलाइट्स क्या क्या रहेगी ये अपन जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि पूरे के पूरे सेशंस में अपन पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे ये पहले जान लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। फर्स्ट होगा बेसिक ऑफ पंजाब, जो रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको मालूम होगा क्योंकि रेगुलर वीडियोज अपलोड होते हैं, राइट। जियोग्राफी ऑफ पंजाब, बेसिक पंजाब में आपका एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नर कौन कौन सी कितनी सीट्स हैं, राइट, ये सब कुछ वहाँ पर होगा। जियोग्राफी में इसका एरिया और पॉपुलेशंस, बॉर्डर से में कौन कौन स्टेट्स के साथ पंजाब है, जो स्टेट बॉर्डर शेयर करता है, कौन कौन सा इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है नहीं लगता, यह भी अपन डिस्कशंस करेंगे। नेक्स्ट आपका सिंबल, कौन कौन से स्टेट्स की एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये अपन डिस्कशंस करेंगे। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ पंजाब, राइट, जो आपके वाइल्ड लाइफ है, राइट, वन्य जीव अभयारण्य है, राइट, वहाँ पर नेशनल पार्क्स होंगे, वहाँ भी अपन डिस्कशंस करेंगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन सी चीज़ को इंक्लूड किया है पंजाब की, वह भी अपन इसमें डिस्कशंस करेंगे। एंड अदर फैक्ट्स ऑफ पंजाब, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रीसेंट पंजाब, जो रीसेंट न्यूज़ में रहा था वह भी रहेगा, जो करंट अफेयर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनी थी पंजाब से रिलेटेड, वह भी अपन इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे ताकि आपका रिवाइज हो सके। ओके, नेक्स्ट आपका डैम्स ऑफ पंजाब, राइट, एंड एयरपोर्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एयरपोर्ट वाला और नेशनल पार्क वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अदर फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका 10 सिख गुरुज के बारे में अपन डिस्कशंस भी करेंगे, कौन कौन से 10 ऐसे गुरु थे ना, राइट, उनके बारे में भी अपन डिस्कशंस करेंगे, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, गारंटी है। ओके, स्टार्ट करें। देखिए,
फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जानते हैं बेसिक ऑफ पंजाब, राइट? बेसिक ऑफ पंजाब, ताकि बेसिक कवर होने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको मालूम होगा पंजाब स्टेट्स, जो पंजाब है 1947, राइट, जो देश इंडिपेंडेंस हुआ था, राइट, आजाद हुआ था, उसके बाद ईस्टर्न पंजाब और वेस्टर्न पंजाब दो भागों में डिवाइड हुआ था, राइट। वेस्टर्न पंजाब अपने एक तरह से कह सकते हैं पाकिस्तान के पास चला गया था, ईस्टर्न पंजाब भारत के पास है। ओके, ईस्टर्न पंजाब है जो अपने इंडिया के पास है, राइट। अभी आप भी देखते होंगे क्या नाम है, पंजाब के बेसिस पे अपन वंदे मातरम सॉन्ग गाते हैं, राइट। वंदे मातरम उसमें आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो सिंध है जो वहाँ के पाकिस्तान में है, वहाँ पर इंक्लूड, पंजाब जो प्रांत है उसमें सिंध इंक्लूड है। ये एक कंट्रोवर्सी भी बनी थी, राइट, उसके बेसिस पे, सिंध के बेसिस पे अपन गाते भी हैं। तो पंजाब पहले इंडिया का ही पार्ट्स था, इसी से बेसिस पे पाकिस्तान है जो ले लिया था 1947 में। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस तो ये नहीं बनेगा, बट आपकी जानकारी में रहना चाहिए। वेस्टर्न पंजाब था जो आपके पाकिस्तान के पास चला गया, एंड देन ईस्टर्न पंजाब है वो इंडिया के पास है, राइट। तो अपन डिस्कशंस करते हैं इस पर्टिकुलर पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस यह बनेगा कि स्थापना दिवस पंजाब अपना कब बनाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्थापना दिवस बनाता है 1 नवंबर 1966 को, 1966 को अपना स्थापना दिवस पंजाब बनाता है। ओके, कैपिटल्स की चंडीगढ़ है, राइट। कैपिटल्स हरियाणा और आपकी पंजाब की कैपिटल सेम है, चंडीगढ़। गवर्नर है आपकी वीपी सिंह बदनौर, राइट, वीरेंद्रपाल सिंह बदनौर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है गवर्नर के बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट आपके है चीफ मिनिस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्टन अमरिंदर सिंह इज द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब, राइट। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, इनको आदर्श मुख्यमंत्री, राइट, जो आदर्श मुख्यमंत्री का अवार्ड होता है, राइट, वह भी इनको मिला हुआ है, राइट। पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं, राइट, जिन्होंने जो कोरोना वायरस था, राइट, उसको पहला स्टेट से, पहले से चीफ मिनिस्टर से जिन्होंने कर्फ्यू लगाया था, राइट। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चीफ मिनिस्टर्स कैप्टन अमरिंदर सिंह। टोटल्स असेंबली सीट्स थी 170, 117, उसमें से आपके 77 सीट जीत के इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, कांग्रेस से ही बिलोंग करते हैं। ओके, पार्लियामेंट्री देख लीजिए, राज्यसभा जिसको आप अपर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं हिंदी में, दैट इज द 13 सीट्स राज्यसभा की है, और 7 सीट लोकसभा जिसको निम्न सदन बोला जाता है, दैट इज द 7 सीट आपकी लोकसभा की है। विधानसभा की मैंने अभी आपको बताई थी 117 सीट्स हैं, जिसमें से इन्होंने अमरिंदर सिंह जो पार्टी है कांग्रेस की, उन्होंने 77 सीटें जीती थी। ओके, नेक्स्ट आपका है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस है रविशंकर झा, राइट। क्वेश्चंस बनेगा, ही इज रविशंकर झा किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, किस स्टेट्स के चीफ जस्टिस हैं, राइट, क्वेश्चंस बना सकता है। तो प्लीज याद रखिएगा, पंजाब की, हो सकता है पंजाब के चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस का नाम बताइए, तो दैट इज द रविशंकर झा। क्लियर, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है, इसके अलावा आपको लगता है कि इसमें चीज ये चीज ऐड होनी चाहिए, तो योर आइडियाज, योर सजेशंस इज वो वेलकम दिस, राइट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज आप बताइएगा जरूर, मैं ऐड जरूर करूंगा अगर अच्छा लगेगा तो। ओके, तो याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा लगा यहाँ तक तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा कि हाँ सर हमारे लिए हेल्पफुल था, और भी स्टूडेंट तक पहुँचाइए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जियोग्राफी पे, देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से 16th पोजीशन है इसकी, यानी कि 16वां नंबर पर है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, राइट, 16वां स्थान है पॉपुलेशन के हिसाब से, राइट। लगभग 2.7 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है, 2.7 करोड़ के आसपास, राइट। एरिया है, एरिया के हिसाब से 20 रैंक, यानी 20वीं रैंक है। टोटल्स इसका एरिया है 50,362 किलोमीटर्स, टोटल्स इसका एरिया है। क्लियर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर से देख लीजिए, फर्स्ट आपका जम्मू कश्मीर, राइट, जम्मू कश्मीर एक तरह से स्टेट से, राइट, उसके साथ ही बिलोंग करता है, अभी तो इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया है,
right? And Himachal Pradesh, and then Haryana, and then Rajasthan's, ये टोटल चार स्टेट्स हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, और एक पाकिस्तान के साथ इसका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। ये मैप में आप देख लीजिए, फर्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर, सेकंड आपका है हिमाचल प्रदेश, राइट, अभी हिमाचल प्रदेश, एंड थर्ड पोजीशन पे आपका हरियाणा, राइट, एंड फोर्थ पे आपका राजस्थान। ये मैप है पूरा का पूरा, ये पूरा पंजाब है, ये इसके आस पड़ोस के स्टेट्स हैं, एंड देन यहाँ पर लगता है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर जो कि है पाकिस्तान का, राइट, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। क्लियर हुआ, एक यूनियन टेरिटरी है और तीन स्टेट्स इससे बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्स का पार्ट बनेगा कि कितने स्टेट्स बिलोंग करते हैं, कितने राज्यों के साथ पंजाब जो स्टेट से वह बॉर्डर शेयर करता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज के लिए चार भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है। तो याद रखिएगा, तीन आपके स्टेट्स के साथ और एक आपकी यूनियन टेरिटरी है। ओके, अब आ जाते हैं सिंबल ऑफ पंजाब, स्टेट्स एनिमल्स। जो स्टेट्स का एनिमल है वो ब्लैक बक है, राइट, ब्लैक बक इज द स्टेट्स एनिमल ऑफ पंजाब। स्टेट्स बर्ड्स हैं जो कि आपका बाज है, पक्षी ट्री है, सीसम है, जो सीसम आता है ना वो आपका स्टेट ट्री है पंजाब का, बहुत मात्रा में सीसम पाया जाता है। स्टेट्स फ्लावर है ग्लेडियस, राइट, ग्लेडियस, एंड स्टेट्स फूल पंजाबी कबड्डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स के बारे में पूछ सकता है तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, स्टेट स्पोर्ट्स और आपके स्टेट्स एनिमल्स, ये दो चीज़ में दो क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल पार्क्स पे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब की कौन कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट, अबोहर वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मार्क कर लीजिए। एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन बनाएगा पंजाब से तो ये एक क्वेश्चन ही पूछेगा अबोहर से रिलेटेड। ओके, हरिकी लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड झज्जर बकौली, राइट, झज्जर बकौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बीर भाटशंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बीर मोतीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पहली अबोहर है, दूसरी आपकी हरिके लेक वाइल्ड लाइफ सेंटर की, दो इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस चीज़ को रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को बार बार देख लीजिए, जो आपको उचित लगे, जिससे लगता है कि मेरे इस बेसिस पे अच्छे से याद होता है, तो प्लीज़ उस पर आप एक तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बार बार वीडियो को देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन किसको इंक्लूड किया है, तो माय डियर फ्रेंड्स, द आर्किटेक्चुरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुशियर, राइट, जो चंडीगढ़ में है उसको 2016 में इंक्लूड किया गया था, राइट, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स की क्वेश्चन आता है, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, हमको पीडीएफ शेयर दीजिए इन पर्टिकुलर स्टेट्स का जो भी आपने डिस्कशंस किया है, तो पीडीएफ आपको भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सर हमको पीडीएफ दे दीजिए। ओके, अदर फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो इस चीज को जरूर देख लीजिएगा, अगर आपने स्किप करके देखा है तो। देखिए, फर्स्ट है आपकी पंजाब गवर्नमेंट, जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया था कौवा पंजाब, राइट, कौवा पंजाब नामक एक जो मोबाइल एप्लीकेशन है टू स्प्रेड अवेयरनेस और कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस की सिचुएशन में थी, जो पंजाब गवर्नमेंट कौवा पंजाब नामक से जागरूकता फैलाने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया था। एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐप से रिलेटेड बना सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अवेयरनेस जागृत के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो दैट इज द कौवा पंजाब। ओके, नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, आपको मालूम होगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में, राइट, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन हुए था, पहला था, फर्स्ट एडिशन था, तो एग्जाम्स का पार्ट बना सकता है। अब आपके लिए सोच रहे होंगे सर इसमें पंजाब का क्या इंपॉर्टेंट है, तो पंजाब ने उस जो गेम था यूनिवर्सिटी में, जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने टॉप किया था, राइट, ये एग्जाम्स का पार्ट बन सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका है सी जी एफ अप्रूव्ड इंडिया टू होस्ट 2022 कॉमनवेल्थ आर्चरी एंड शूटिंग चैंपियनशिप इन चंडीगढ़।
सीजीएफ है जो आपकी अप्रूव किया है 2022 का। देखिए अपकमिंग जो क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम्स में, वह भी पंजाब से रिलेटेड, वह भी मैंने यहाँ पर डिस्कशंस कर लिया है। आर्चरी एंड शूटिंग का जो चैंपियनशिप होना है जो कॉमनवेल्थ का 2022 में, वो आपकी पंजाब के चंडीगढ़ में होगा, राइट। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंट दिनों में न्यूज थी, घर घर निगरानी नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपके पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। घर घर निगरानी, इट मीन्स निगरानी में टाइप होता है आपका टेस्टिंग समथिंग, उसकी टेस्ट करना, जांच परख करना, राइट। इट्स कॉल्ड बी निगरानी, यानी कि घर घर निगरानी एप्लीकेशन, डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशन, डोर टू डोर टेस्टिंग, राइट। आप इस टाइप से आप कर सकते हैं, ओके। तो याद रखिए घर घर निगरानी नाम का जो ऐप है, जो एप्लीकेशन है, वो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग जो भी कोई भी एग्जाम्स हो, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्लियर। यहाँ तक अगर आप कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ कुछ भी लगा कि हेल्पफुल था तो लाइक करना मत भूलिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए, शेयर करना मत भूलिएगा ताकि स्टूडेंट तक पहुँच जा सके, वहाँ भी डिस्कशंस कर सके। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, ओके। एक डैम है आपका रणजीत सागर डैम है, जो रावी नदी के ऊपर बना हुआ है, रणजीत सागर डैम, क्लियर। एयरपोर्ट ऑफ पंजाब देख लीजिए, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अमृतसर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नाम याद रखिएगा गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बठिंडा एयरपोर्ट, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, बठिंडा में है। सहनेवाल, सहनेवाल एयरपोर्ट ये आपके लुधियाना में, पठानकोट एयरपोर्ट ये आपके पठानकोट में। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो है आपका श्री गुरु रामदास एयरपोर्ट से ई क्वेश्चन बना सकता है, पटियाला एयरपोर्ट जो कि आपका पटियाला में है, ओके। टेंसिक गुरुज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, पहले गुरुज थे गुरु नानक देव, राइट, जिनकी अभी 550वीं जयंती बनाई गई थी, 550वीं जयंती, राइट। याद रखिएगा एग्जाम्स का पार्ट बना सकता है एग्जामिनर, राइट, जिसमें 3 सिक्के जारी किए गए थे गुरु नानक देव जी से रिलेटेड, राइट, जो कि स्टेट, जो कि किसने, नेपाल ने, नेपाल ने 3 सिक्के जारी किए थे 550वीं जयंती पर गुरु नानक देव जी की, ओके, याद रखिएगा 1469 से 1539 तक, ओके। गुरु अंगद थे वो 1539 से 1552 तक। एग्जाम्स में मैंने ये क्यों लिखा है, मैं गुरु भी ही लिख सकता था ओनली फॉर, बट ये इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ओके। गुरु अमरदास 1552 से 1574 तक, ओके। गुरु रामदास 1574 से 1581 तक ये रहे थे। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 तक ये रहे थे। गुरु हरिगोविंद 1606 से 1645 तक ये रहे थे। गुरु हरिराय, हर राय ये आपके 1645 से 1661 तक ये रहे थे। गुरु हरिकिशन ये आपके 61 से 64 तक रहे थे। गुरु तेग बहादुर, बहुत इंपॉर्टेंट, 1664 से 1675 तक, ओके। गुरु गोविंद सिंह ये आपके रहे थे, 10वें गुरु थे, 1675 से 1708 तक, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आपका गुरु नानक देव याद रखिएगा कब से कब तक, 1469 से 1539 तक। सेकंड गुरु तेग बहादुर और थर्ड पे आपका गुरु गोविंद सिंह। ये तीन चीज़ को आपको याद रखना है ईयर के बेसिस पे भी, तभी आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स, इससे रिलेटेड आप एक भी क्वेश्चन नहीं करोगे गलत, ओके। प्लीज़ इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आए होंगे, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कोई आपका सजेशंस हो तो दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल्स को, प्लीज़ अगर आप न्यू विजिट हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, ओके। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, सर हमको पीडीएफ दे दीजिए ताकि हम पीडीएफ रीड कर लेंगे। पीडीएफ में इतना ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होता, वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग्स एंड शेयरिंग्स, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस, इफ यू एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत, एंड मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ, अच्छे वीडियो के साथ, आपकी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत, बी हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।